हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बाबा और मैं खेलता है सैटिस्फैक्ट्री। भाई आप सबका दिल से स्वागत करता है शानदार गेम में। और आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम अपनी फैक्ट्री की सेकंड फ्लोर बनाने वाले हैं। लेकिन आपको अगर फैक्ट्री कहाँ है भैया, फैक्ट्री आएगी आई बेटे, ये देखते ए बेटे अपने दिल पे लगती है ये वाली आवाज़। कोई नहीं, फैक्ट्री अभी चलेंगे। फैक्ट्री में इसी के लिए हम यहाँ आए थे कि हमारा भैया ये खत्म हो रहा है, जरा वुड वुड इकट्ठी कर लेते हैं जल्दी से। हमें चाहिए हैं वुड, हमें चाहिए रहेगी लीव्स ताकि हम अपने लिए इलेक्ट्रिसिटी बना सकें। और ये जो अभी आवाज़ आई थी भैया, ये थी हमारी इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म होने की। किसी एक फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच नहीं रही है, ख़त्म हो गई, इस वजह से ये आवाज़ आई थी भैया। जल्दी से काम करते हैं, अपने लिए यहाँ से इकट्ठा करते हैं, काफ़ी ज़्यादा वुड है यहाँ पर, इसलिए मैं आया था भैया। जल्दी जल्दी से इकट्ठा कर लो। और अपन क्या करेंगे, इसी बहाने हम देख भी लेंगे कि हमारे इस इलाके में क्या क्या है। पीटी कुछ ज़्यादा ही नीचे है ये तो भैया, अंजर पंजर अलग कर देगा अगर यहाँ से गिरा। नहीं गिरना नहीं है अपन को, अपन को जल्दी से वुड वुड इकट्ठी करेंगे और फिर वापस चल रहे हैं। और गाइस एक सरप्राइज है मेरे लिए, मतलब मेरे लिए नहीं, आपके लिए एक सरप्राइज है। मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा ऑफलाइन खेला, अपनी फैक्ट्री को थोड़ा सा इम्प्रूव किया, क्योंकि कुछ लोगों को भाई पसंद नहीं आई थी मेरी पहली वाली फैक्ट्री, उन्होंने थोड़ी सी कंप्लेन की थी। मैंने कहा भैया ऐसे कैसे हो सकता भैया फैक्ट, ये क्या हो गया ये तो, ओ अपना फ्यूल ख़त्म हो गया है, हमारा जो सॉलिड फ्यूल है वो ख़त्म हो गया, तो ये मेरे को आगे काम नहीं करने दे रहा। हाँ मैं कह रहा था भैया ऐसे कैसे हो सकता है कि बाबा की फैक्ट्री किसी को पसंद ना आए। हमने पूरी दिल से मेहनत की, पूरी कोशिश की उस फैक्ट्री को अच्छा बनाने की, क्लीन करने की, और आज मुझे लग रहा है कि आप लोगों को फैक्ट्री पसंद आनी चाहिए। सो गाइज बेसिकली सैटिस्फैक्ट्री एक क्राफ्टिंग गेम है जिसमें हम आई से करके रिसोर्सेज, नहीं ऐसे नहीं, यहाँ कहीं पे पड़ी होगी कहीं ना कहीं कोई सी रिसोर्स, हमें रिसोर्सेज मिलता है, रिसोर्सेज से हम अपनी फैक्ट्री बनाते हैं, एक फैक्ट्री में हम पार्ट बनाते हैं, फिर वो एक पार्ट से हम दो पार्ट बनाते हैं, दो पार्ट को कंबाइन करके हम तीन पार्ट बनाते हैं, और ऐसे ही करके हम पार्ट्स बनाते रहते हैं। जनरली हमें क्या करना है, हम एक फिक्स्ड नाम की कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जो आसमान में भैया, उनको सामान भेजना है बना बना के। ठीक है जी, ये हमने स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ बनाया था और यहाँ पे फैक्ट्री डिलीट कर दी है हमने। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बर्नर छोड़ा जो कि बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है भैया, 12 बर्न कर चुका, मतलब 12 टिकट्स बना चुका है हमारे लिए। और हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास कोई एक्स्ट्रा सामान होता है ना, वो हम यहाँ ला के पटक देते हैं, तो ये बर्न करता रहता है और बर्न कर करके हमें टोकन देता रहता है भाई। तो अपन एक काम करते हैं, जो जो मुझे लग रहा है कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सामान है वो सब यहाँ छोड़ देते हैं, जैसे कि ये सामान छोड़ दिया हमने, उसके साथ साथ हम आगे चले। देखो गाइस ये कहता है, ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात है, ये कहता है कि हमारी जो मेन फैक्ट्री हमने बनाई थी उसमें पावर ख़त्म हो गई है। लेकिन पावर से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैंने थोड़ी सी भाई फैक्ट्री को क्लीन क्लीन किया है। क्लीन क्लीन कैसे किया है, एक तो हम ये जो सीमेंट वाला हम और लेके आ रहे थे, अगर आपको याद हो पिछले एपिसोड में, तो मैंने पिछले एपिसोड में यहीं की यहीं इसको कनेक्ट कर दिया था, लेकिन इस बार हमने थोड़ी सी अच्छी सी कनेक्टिविटी कर दी है। और हमने इसलिए किया कि कभी कभार हमें ऐसे करके भागना हो तो हम इनके अंडर भाग सकते हैं, और ये कुछ मुझे ज़्यादा सही सा लग रहा है। पहले मैं क्या करता था, पहले मैं ऐसे करके नीचे ही नीचे बनाता था, आई से करके ए भाई इधर आ जाओ, ठीक है, ऐसे करके मैं बनाता था, जो कि मैं बना सकता हूँ, उसके साइड में हम भाग सकते हैं, बट ये वाला मुझे कुछ ज़्यादा बेटर सा डिज़ाइन लग रहा है ताकि हम इन बेल्ट के नीचे भी भाग सकें। ठीक है जी, हमने ऐसे करके डिज़ाइन बनाया ताकि हम भाग भाग सकें, आराम से यहाँ आ सकें। साथ साथ देखो इसमें मैंने ऐसे करके यहाँ दे दिया, और जो मेन चीज़ है वो मेन चीज़ ये रहेगी कि भैया देखो अब आपको घास नहीं दिखेगी कहीं पर भी। पहले फाउंडेशन पर हमें घास दिख रही थी, हमने क्या किया थोड़ा सा, मैंने पूरा इस पार्ट को डिलीट किया है भाई, और पूरा इस पार्ट को वापस से बनाया, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा उसमें, लेकिन भाई एंड रिजल्ट ये है कि अब कोई भी घास हमें दिक्कत नहीं देगी, और इन सारे में आराम से आके हमारे लिए पार्ट्स जो हैं वो इकट्ठे होंगे। देखो अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो यहाँ पे ये इकट्ठा होना भी शुरू हो गया, इन सब में एक एक चीज़ इकट्ठी हो रही है, जो जो चीज़, ए भाई इसमें हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास स्क्रूज बन रही हैं, और इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास केबल्स हैं। केबल्स एक काम करते हैं थोड़ी सी और रख लेते हैं, और मैंने एक फ्यूचर प्रूफ भी इसको ऐसे कर लिया है, हमने यहाँ पे स्प्लिटर्स लगा दिए हैं, ये स्प्लिटर्स की जगह छोड़ दी है, इन स्प्लिटर्स को बाद में जब हमारे स्मार्ट स्प्लिटर्स खुल जाएंगे तब उससे रिप्लेस कर देंगे, अभी के लिए सिर्फ ऐसे ही पड़े रहने दो, ये सिर्फ जगह बनाने के लिए मैंने किया। ठीक है जी, बाकी हमने यहाँ पे सबका सबको कनेक्ट कर दिया क्लीन तरीके से, और ज़्यादा क्लीन तरीके से कनेक्ट कर दिया। ये हमारे बेस का भाई हेडक्वार्टर्स रहेगा, यहां से हम अपने लिए आगे के टियर खोल सकते हैं, और आगे के टियर जब खोलेंगे तो नई नई रेसिपीज हमें मिलेंगी। साथ साथ हमारे पास यहां पर देखो भैया दो कलर कोऑर्डिनेटेड हैं, इसमें हम खोल के इसको हम इसमें डालेंगे वुड, ठीक है भाई, ताकि ये वुड से हमारे लिए आगे जाके प्रोसेस कर सके वुड को बायोमास में, और इसमें डाल देंगे भैया ये। ठीक है जी,
देखो अब यहाँ पर आया वुड और यहाँ पर आएगी घास, दोनों को काम करेंगे। मेरी टॉर्च ऑन है क्या? मेरी टॉर्च ऑन थी, उसको ऑफ किया। दोनों काम करेंगे शानदार तरीके से, इसमें बनाएंगे बायोमास। जल्दी से भर जा भाई, अब जल्दी जल्दी भर जाओ भाई। अच्छा ओके ओके, तो भाई एक प्रॉब्लम ये भी है कि हमारी जो फैक्ट्री है इसमें अभी पावर नहीं है। पावर इसलिए नहीं है क्योंकि सब जगह पावर ख़त्म हो गई है, और जो बनाने वाली चीज़ें मशीन है वो भी तो रुक गई हैं। अगर पावर ख़त्म हो गई है तो हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें इन सबको धक्का स्टार्ट करना पड़ेगा भाई। धक्का स्टार्ट के लिए ये तो भाई थोड़ी सी गड़बड़ वाला सीन है, ये तो थोड़ा गड़बड़ सीन है। एक काम करते हैं, धक्का स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, अगर हो पाए तो ठीक है, नहीं हो पाए तो फिर कुछ और सोचेंगे। हो जाना चाहिए वैसे, अगर हम इसको थोड़ा 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 हर एक मशीन में डाल दें। तुम इधर चले जाओ भाई थोड़ा सा, ठीक है, और तुम इधर चले जाओ भाई थोड़ा सा। ये सारी चीज़ें पहले से मेरे को करके रखनी चाहिए थी, लेकिन हम थोड़े से लेट हो गए। हम फैक्ट्री को क्लीन करने में ही इतना व्यस्त हो गए कि भाई इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। अब तो चल जानी चाहिए, अब चल जानी चाहिए भैया, अब चल जाइए। और हाँ, देखते हैं कि कब तक सही से काम करती है। इतने ये काम करें, इतने हम और ये लेके आते हैं। अभी हमें काफ़ी ज़्यादा लीव्स और वुड की ज़रूरत पड़ेगी भाई, तो जितने पेड़ वेड़ दिख रहे हैं वो सब आज चटकेंगे। जल्दी जल्दी से उनको चटकाते हैं। और आज का जो मेन काम है, मेन काम रहेगा इस फैक्ट्री में, हमें पहले तो एक सेकेंड फ्लोर बनानी है, और फिर सेकेंड फ्लोर पर जाके आगे की प्रोसेस में करना है। आगे का प्रोसेस में क्या आएगा? आगे की प्रोसेस में हमें रीइंफोर्स्ड आयरन की प्लेटें आएंगी, जो कि मैं अभी आपको दिखाएगा कि कैसे बनेगी, सब कुछ बताएगा भाई। टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप नए हो तो मैं सिर्फ एक ही आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप हो सके तो पहले वाले 2-3 वीडियोस हैं इसके, वो देख लो, ताकि उस यहाँ पर एक ये भी है भैया लाइमस्टोन, ताकि इस गेम के जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसमें समझाए कि हम क्या कर रहे हैं। अब तो हम थोड़ा सा एडवांस आ गए, तो हम थोड़ा सा स्पीड अप पकड़ेंगे भाई अब, क्योंकि अगर स्पीड अप नहीं पकड़ेंगे तो फिर बना नहीं पाएंगे भाई। चलो चलो जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है, हमारे पास बहुत कम बायोफ्यूल अपनी इसमें, ये भी बायोफ्यूल से चलती है। जैसे ही हमारा बायोफ्यूल ख़त्म हो जाएगा ये भी रुक जाएगी भैया, और उसी के साथ मुझे लग रहा इसके बाद अब थोड़ा सा बचा है, क्योंकि मेरे को लेफ्ट साइड में स्क्रीन पे दिखा रहा है कि जीरो हो चुका है। देखते हैं जितने पेड़ अगर काट सकता है जीरो में भी, तो देखते हैं भाई ये कितने काट। रुक गई रे, कोई नहीं, ये रुकी, हमने फिर से बेसिक पे आ गया भैया, स्टोन एज पे आ गया। हम फिर से हाथ से उठाने लग गए सारा सामान, ठीक है। ओ ये केव जा रही है क्या? नहीं, केव नहीं जा रही है ये। हमने क्या करना भाई, जितना आसपास की लीव्स वगैरह हैं वो हाथ से उठाएंगे, और फिर हल्लू डॉगू मेरा फ्रेंड नहीं है भैया, ये वाला मेरा फ्रेंड नहीं है, इसको फ्रेंड बना ले क्या? इसको फ्रेंड बना लेता है। ए डॉगू, ओ बेटे चिरांद के साथ घूम रहा है डॉगो, भाग गया। कोई नहीं, अगर हमें इसको दोस्त बनाना होता है तो इसके पास जाना होता है, और एक फ्रूट जो है, जो ये वाला फ्रूट है, हमें इसको खिलाना होता है, और उसके बाद फिर अगर हम इसको पेट करेंगे तो ये हमारा पेट बन जाएगा, जो कि फिर बाद में हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। देखो भाई अभी मैं आपको बना के दिखाता है, जब इतना पास घूम ही रहा है ये। आजा भैया आजा, ये वाला ना जा बस ये वाला ना जा। देखो ये हमें देख रहा, उसने भी हमें देखा, इतने हम करते हैं इसको यहाँ रखा, आजा इतने भाई, तू 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 फ्रेंड नहीं बनेगा, तू पेट नहीं बन सकता, इधर आओ। ये कह रहा मेरे को भी तो बना के देखो एक बार, मैं ऐसे ढुमका मारेगा कि तुम्हारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। ठीक है जी, ये हमने चटकाया, और उसको चटकाने के साथ वो डर गया और वो भाग गया। हमने इसको उठाया, ए भाई उठ, इसको उठा लो, इसको उठाया, और इसको उठाने के साथ डॉगो के पास गए। डॉगो, ए डॉगो, डॉगो कहाँ गया? अबे डॉगो, ओरा ओरा ओरा, देखो भाई चुपचाप ऐसे करके बिल्कुल भागना नहीं है, अगर ज़्यादा भागेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जितना पास जा सकते हैं उतना पास जाएंगे, और इतना पास काफ़ी है। ऐसे करके हम यूँ करेंगे, ये आएगा, ये आने के साथ एक खाएगा, ठीक है, एक खाने के साथ हम यहाँ आएंगे, और फिर इसको पेट करेंगे, और ये डॉगो अपना हो गया भाई। डॉगो, ठीक है, इसका नाम हमने ये रख दिया अभी फिलहाल के लिए, इससे हमें पता लगेगा कि ये वाला हमारा फ्रेंडली डॉगो है भैया। एक प्यारा सा कुत्ता, ये क्यूट सा कुत्ता और घूम रहा है, वो इधर उधर कहीं और है, ये सेकंड वाला। अब देखो ये हमें फॉलो करता रहेगा, और बाद में क्या करेगा ये धीरे धीरे करके, यहाँ पे इन्वेंट्री में इसकी एक जगह है, ये हमें सामान ला ला के देता रहेगा भैया। अब मैं कोशिश यही करूँगा कि भाई यहीं कहीं रहे भाई, हमारे साथ वापस फैक्ट्री में ना चले, क्योंकि ये फैक्ट्री में चल के प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हैं। ये क्या करेंगे, ये जहाँ पे भी मैं मशीन लगाने की कोशिश करूँगा वहाँ आ जाएंगे और इनवैलिड कर देंगे भैया, मेरे को लगाने नहीं देंगे। उसी के साथ केव जा रही है, केव में जाना तो चाहता हूँ मैं, लेकिन मेरा मार मार के तुम्बा बना देंगे,
मैं पहले अपने लिए एक शॉट बनाना चाहूंगा, फिर उसके बाद केव हंटिंग करना चाहूंगा। केव में जाने से अभी कोई फायदा नहीं है भैया, अभी लेकिन यार मस्ती लग रही है केव। चलेंगे चलेंगे, इस पर भी चलेंगे। देख लिया हमने कि केव यहाँ है और बहुत ही जल्दी अपने लिए। इनका अलग ही चलता रहता भाई, क्या क्या हिसाब किताब है तुम्हारा, तारे देख रहे हो क्या? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि भाई मेरे को अपने लिए एक शॉट बनानी है, और शॉट बनाएंगे फिर उसके बाद फिर हम ये वाली केव वगैरह में जाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारी स्पाइडर्स होती हैं और स्पाइडर्स लेने के देने कर देते हैं भाई। अपनी फैक्ट्री जो है, अपनी फैक्ट्री देखो यार कितनी शानदार लग रही है भाई, कितनी शानदार लग रही है। अगर मैं नीचे गिरेगा तो क्या मेरी हड्डी टूटेगी? मेरी हड्डी नहीं टूटी, और उसी के साथ हम यहाँ आ गए। ये हम पीछे वाली साइड आए हैं अपनी फैक्ट्री के। एक बार ज़रा जब मरवा दो, जब नहीं मरवाई तुमने मेरे को। हम कोशिश कर रहे हैं ऊपर पहुँचने की, अपन यहाँ पहुँचे। पहुँचने के साथ हम और लेकर आए भाई ये घास फूस। घास फूस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अगर हम ये ध्यान नहीं देंगे तो हमारी फैक्ट्री कभी भी रुक जाएगी और फिर जंप स्टार्ट करने में अपने को ही दिक्कत आएगी। ठीक है भाई, हमने यहाँ पर ऐसे करके ये दे दिया इसको, हमने वुड दे दी और वुड के साथ अब मुझे लग रहा है अब चलती रहेगी फैक्ट्री, ऐसा लग रहा है, ऐसी फीलिंग सी आ रही है, क्योंकि सबके सब में पहुँच गया, सबके सब हरे हो गए, दैट मीन सबके सब पावर कर रहे हैं। एक बार चेक करते हैं टोटल हमारी कितनी पावर चल रही है। हमारी देखो टोटल पावर, ये फैक्ट्री जो है, ये फैक्ट्री के जनरेटर्स हैं जो पावर बना रहे हैं, और ये बना रहे हैं टोटल 240। ठीक है, 240 हम बना रहे हैं, और 240 में से हम कितना यूज़ कर रहे हैं, अगर हमारी सारी की सारी मशीन्स ऑन हो जाती हैं तो 88 हम यूज़ करेंगे, और अभी फ़िलहाल के लिए जितनी भी मशीन्स ऑन है वो 67 से 77 के बीच में इस्तेमाल कर रही हैं पावर। बढ़िया, वेरी वेरी नाइस। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ों में, ठीक है, थोड़ी सी एडवांस चीज़ों में। हमने पिछली बार ये लगाया था, ठीक है मैम, ये है हमारा रिसर्च सेंटर, और रिसर्च सेंटर में आज हम आके चीज़ों को रिसर्च करेंगे। सबसे पहले हम देखना चाहेंगे कि हम क्या क्या, ओह हम ये सारी चीज़ें रिसर्च कर सकते हैं हम भाई। ठीक है, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक हार्ड ड्राइव लगा जाते हैं। हमने हार्ड ड्राइव लगाई, अब ये स्कैन होता रहेगा। 10 मिनट हमारे पास हैं, ये मेरे को 10 मिनट में कोई ना कोई एक नई अल्टरनेटिव रेसिपी देगा। जब खुलेगी अल्टरनेटिव रेसिपी तब हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहीं कहीं एक वो देखा था, समर लूप कुछ ऐसे ही कहते हैं उसको। ओह हाँ भैया, एक शानदार पावर स्लग है जो कि पॉइजन में है, वहाँ अभी नहीं जाऊँगा वरना मेरी ऐसी की तेजी हो जाएगी। यार मैंने कहीं तो देखा था, देखो एक तो मुझे यहीं से दिख गया, एक मुझे वहाँ आसमान में दिखा हुआ ऊपर चोटी पे, वहाँ पे भी चलेंगे। समर लूप करके एक चीज़ है जो कि अगर मैं आपको यहाँ आके दिखाए, अगर हम इसमें आए, इसमें आने के साथ हम ये ढूंढना है हमें। ठीक है, जैसे ही हमारे पास ये आ जाएगा फिर हम इसको और इसको ज़रा वो करेंगे, स्कैन करेंगे। ये तो मैं कर सकता हूँ, एक मेरे पास ये पड़ा हुआ है, एक बार इधर आए, इधर आने के साथ देखो ये वाला तो एक पड़ा हुआ है, मर्सियर स्पियर। ठीक है, मर्सियर स्पियर को एक बार ज़रा सा करके देखें। मुझे लग रहा है जब तक हमारी हार्ड ड्राइव होगी तब तक हमें ऑप्शन देगा नहीं, टू लूर लिस्ट में डाल सकते हैं, बट ठीक है कोई नहीं, इसको अभी के लिए यहीं रख देते हैं। तुम एक काम करो भाई, तुम इधर जाओ। ठीक है, बाकी सब तुम भी इधर चले जाओ। ठीक है जी, बाकी सब बढ़िया है, बाकी सब अपने पास रखते हैं। एक बार नेक्स्ट आइटम देखते हैं, नेक्स्ट आइटम हमारा नेक्स्ट ईयर में क्या क्या खुलना बाकी रह गया। हमारा जंप पैड खुलना बाकी रह गया, जिसमें हमें रोटर्स मांग रहा है। रोटर्स कैसे बन रही हैं, रोटर्स की अगर मैं उसके ऊपर हवर करूँगा तो आपको रेसिपी दिखेगी। ये 5 मांग रहा है रॉड और 25 मांग रहा है स्क्रूज, उससे बनेगी एक रोटर। ठीक है भाई, अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपनी जेबों में वो भरते हैं, क्या भरते हैं भैया, कंक्रीट भरते हैं। कंक्रीट भरने से पहले मैं एक और चीज़ करना चाहूँगा, हमने ये तो बहुत अच्छी तरीके से बनाया है लेकिन मेरे को एक और बनाना है। एक और कहाँ बनाया जाए, एक और कहीं कुछ इस टाइप से यहाँ लगा दिया जाए। ठीक है, दोनों के इसके उसमें आ रहा है, ठीक है भाई इसके इसमें आ रहा है। वैसे मैं इसको अगर इधर भी देख के आया हूँ, क्योंकि ना मुझे ये चाहिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो जैसे इसमें ये जो एक्स्ट्रा माल निकल रहा है ना, इसमें से हम इस तरीके से यहाँ पे बना के गए थे कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा माल हमें अपनी जेबों के लिए चाहिए भाई, जब हमें इस्तेमाल करना होगा। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, उसके लिए मैं इतनी दूर नहीं लगा रहा, उसके लिए मैं एक स्टोरेज यहीं के यहीं लगा देता हूँ। ठीक है भाई, तुम स्टोरेज लग जाओ यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर तुम कनेक्ट हो जाओ। ठीक है भाई, अब तुम थोड़ा थोड़ा आइटम इसमें भी निकाल के रखते रहो, ये मैं अपने लिए रख रहा हूँ, क्योंकि हमें जब पेड़ वेड़ काटने होते हैं तो उसके लिए सॉलिड फ्यूल लगता है। ठीक है जी,
बढ़िया है, किसी में इंटरफेयर नहीं कर रहा, बहुत सही। चुपके से हमने वहाँ लगा दिया, जब हमें चाहिए होगा वहाँ से निकाल लेंगे। हाँ भाई, बैक टू रिसर्च। हम रिसर्च कर रहे थे रोटर्स मांग रहा है, ठीक है। रोटर्स अभी हमारे पास है नहीं, तो रोटर्स बनाने का काम करना शुरू कर देते हैं। रोटर्स कैसे बनाएंगे हम भाई? सबसे पहले तो हमें चाहिए कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट आ जाओ, कॉन्क्रीट जितना भी कॉन्क्रीट हमारे पास है हमने सबका सब उठा लिया। साथ साथ एक और कोशिश करते हैं, जितना आसपास हम कॉन्क्रीट बनाने की छोटी छोटी सी मशीनें लगा के गए थे उनको भी ज़रा उठा के लेके आते हैं, उनमें से भी मतलब कॉन्क्रीट उठा के लेके आते हैं। एक बार ये दिख गया भाई, इसको भी कर लो ज़रा। नॉइस एंड वेरी नॉइस। चलो बीच बीच में मैं ये करता रहूँगा क्योंकि हमें भाई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। चलो गजब, ठीक है भाई। अब हमें इस डायरेक्शन में मैं एक छोटा सा आउटपोस्ट बना के गया था और मुझे लग रहा है एक आउटपोस्ट मुझे और बना लेना चाहिए जो कि मदद करेगा। अगर मैं ऐसे करके लाइमस्टोन ढूंढूं, लाइमस्टोन सबसे पास वाला एक तो ये है, ये वाला मुझे लग रहा है कुछ ग्लिच आउट सिस्टम कर दिया है इन्होंने, या तो इस पर ओके। एक बार ये टूटेगा क्या, एक बार चेक करते हैं। नहीं, ये टूट नहीं रहा है, ये नोड नहीं है भैया, ये पूरा का पूरा, बट ये नोट टाइप लग तो रहा है ये। ओके, ये नोट टूट गया। अब मुझे लग रहा है अब मैं यहाँ पे ये बना सकता हूँ भाई। ओ इनवैलिड, हाँ देखो अभी भी इनवैलिड बता रहा है। ये इन्होंने कुछ ग्लिच कर दिया है ये इस गेम में, अभी इनको बग आ गया, इन्होंने ये चेक नहीं किया था भाई। देखो हम मशीन लगा ही नहीं पा रहे। मशीन भाई लग जा भाई, हाँ मशीन नहीं लग पा रही है। ये वाला जो आइलैंड का हिस्सा निकाल दिया इन्होंने कुछ ज़्यादा ही आगे निकाल दिया, या तो इनको खिसका के थोड़ा सा ये आगे करना पड़ेगा, ये इस वाले रॉक को थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा। एक बार और देखें साइड वाइड में, मुझे लग रहा है शायद ये भी वो हो सकता है एक एक्स्ट्रा पार्ट नोड का। अगर ये टूट जाए तो देखते हैं क्या ये टूटेगा। टूट जा भैया, टूट जा आज में, टूट जा अब, टूट जा। ओके अब शायद लग जाए, अब लग जा भा। ओ भाई मैं गलत था भैया, मैं गलत था। हमने इसको आके यहाँ लगा लिया। गेम में भाई हो जाती हैं गलतियाँ हो जाती हैं। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे को कितना मिल रहा है यहाँ से, नॉर्मल हमें देगा 60। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, जो कि हम इसको एक और कंस्ट्रक्टर लगाएंगे यहाँ। कंस्ट्रक्टर के लिए मुझे कह रहा है कि मेरे पास रीइन्फोर्स्ड आयरन की प्लेटें ख़त्म हो गई है। हमने अपने लिए क्राफ्टिंग बेंच यहाँ बनाई, हमने रीइन्फोर्स्ड आयरन प्लेट की रेसिपी देगी भाई। देखो 6 ये मांग रहा है प्लेटें, और 6 नहीं, हाँ 6 प्लेटें मांग, 2 और 12 कुछ तो सिस्टम है। एक बार मैं इसकी रेसिपी देखना चाहेगा भाई, ऐसे कैसे रेसिपी दिखा रहे हो इसमें तो तुम समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, इसकी रेसिपी में अभी फिलहाल अगर इसके अकॉर्डिंग चलूँ तो 6 मांग रहा है आयरन प्लेटें और 12 मांग रहा है स्क्रूज। ठीक है, इनसे हमारी एक बन रही है ये, और ये आज हमें सेकंड फ्लोर पे इसका ऑटोमेट करना है ताकि हमें ये हथौड़े पतौड़े ना मारने पड़े भाई बाद में। हम एक काम करते हैं, अभी फिलहाल के लिए 12 बना लेता हूँ, क्योंकि आगे की जितने भी हमारी एडवांस की मशीनें होंगी ना, एडवांस की भी नहीं, जो ये वाली मशीन है ना कंस्ट्रक्टर इन सब में लगता है भाई ये। चलो 12, 1 और 2, 2 के बाद सही है। अब तुम डिलीट हो जाओ, डिलीट होने के बाद अब तुम भाई एक कंस्ट्रक्टर जो हो तुम यहाँ लग जाओ। और कंस्ट्रक्टर में हमने ऐसे करके यहाँ कर दिया, ठीक है जी, कंस्ट्रक्टर में हमने ऐसे करके यहाँ कर दिया। और एक काम और कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक काम और कर सकते हैं भाई, इसको प्रॉपर तरीके से बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है, ये जो अभी हमने कंस्ट्रक्टर लगा रखा था ये 45 आइटम्स मांगता है, यहाँ पे हमें सिर्फ 30 आइटम निकलते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे 30 आइटम निकलते हैं, तो मैं एक काम करना चाहूँगा, इसको फिर से बनाना चाहूँगा भाई, इस सबको फिर से बनाएंगे। ठीक है, हमने ऐसे किया, ऐसे करने के साथ इसको भी डिलीट किया, इसको भी डिलीट कर दो। और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा जितना भी हमने वो बना रखा था ना, वो देख लेना चाहिए था कि कितना हमने यहाँ पे इकट्ठा किया, वो सबका सब हमारी जेबों में आ गया जितना भी हमने इकट्ठा किया था। ठीक है, कोई नहीं, बहुत बढ़िया। हम एक काम करो भाई, अभी के लिए टेम्पररी सिस्टम बनाओ कुछ इस टाइप का कि तुम मेरे को यहाँ तक ला के दो, ठीक है जी। और तुम मेरे को एक इस यहाँ पे वो लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, स्प्लिटर, एक स्प्लिटर लगा दो। 7 नंबर दबाया हमने, एक स्प्लिटर लगाया, और स्प्लिटर लगा के हमने कुछ इस टाइप से यहाँ रख दिया। ठीक है भाई, एक स्प्लिटर में एक तो तुम कर दो, यहाँ से मेरे को दे दो, रुको इसको डिलीट ही कर दो। ये सब टेम्पररी है, ये आउटपोस्ट हैं गाइस,
ये आउटपोस्ट हैं। अच्छा ये स्प्लिटर गलत डायरेक्शन में लग गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमने कुछ इस टाइप से मर्जर क्यों लगा रहा हूँ, स्प्लिटर लगाना है। अच्छा नहीं, हम मर्जर लगाते हैं, पहले मर्जर लगाते हैं। हाँ सही है, एक पहले मर्जर लगाया मैंने, फिर उसके बाद मर्जर में क्या किया मैंने, इन दोनों को मशीनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है जी, अब इन दोनों मशीनों को कनेक्ट कर दिया मैंने। अब क्या किया, अब मैंने यहाँ से एक स्प्लिटर निकाला। ठीक है भाई, स्प्लिटर एक स्प्लिटर निकाला। स्प्लिटर में जितना दोनों का कंबाइन मटेरियल था वो हमने यहाँ भेजा, और अब इस कंबाइन मटेरियल से हम दो जगह इसको निकालेंगे। ठीक है भाई, एक इधर आ जाओ और एक इधर आ जाओ। उसी के साथ हमने इसको ऐसे जोड़ा और इस वाले को ऐसे जोड़ा। ठीक है भाई, अब जितना इसमें मटेरियल दोनों कंबाइन करके मशीनें निकाल रहे हैं वो इक्वली दोनों में डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद हम सेम तरीके से एक मर्जर और लगाएंगे यहाँ। ठीक है भाई, एक गलत डायरेक्शन थोड़ी सी गलत हो गई, लेकिन फीलिंग सही थी भैया। हमने मर्जर को इस डायरेक्शन में करके नीला वाला जो है वो उसका बाहर की तरफ निकालता है, ऑरेंज वाला कहता है कि भाई दोनों तरफ से मेरे को ला के दे दो। ठीक है, ऑरेंज वाले में हमने दोनों तरफ से ला के सामान दे दिया, दे दो। और देने के बाद हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे एक लगाया आई से करके एक स्टोरेज बॉक्स। अबे भाई, ओ भाई लग जा, आज में लग जा भैया, और कुछ ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से लगा दी। एक काम करेंगे, हम इस पर खड़े होके बनाएंगे ताकि हमें एग्जैक्टली पता लग सके कि भाई कैसे कैसे हिसाब जा रहा है। हमने कुछ इस टाइप से बनाया, इस टाइप से बनाने के बाद ठीक है हमने इसको कनेक्ट कर दिया, इस पर सारा का सारा इकट्ठा हो जाएगा। अब जी हमें क्या करना है, इन सबको इलेक्ट्रिसिटी देनी है। हमने यहाँ से ऐसे करके कनेक्ट किया, साथ साथ हमने यहाँ एक ये लगाया, एक लगाने के बाद इसको यहाँ कनेक्ट किया। डॉग वहाँ घूम रहा, कोई तो घूम रहा था वहाँ। इसको हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, साथ साथ अब हमने यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिसिटी देनी है। इलेक्ट्रिसिटी मुझे लग रहा है एक से तो हो नहीं पाएगा, है ना। कंजप्शन, इसका कंजप्शन अगर मैं इसको यहाँ ऐसे करके जोड़ूँ, और जोड़ने के बाद इसको ऐसे करके यहाँ खोलूँ, ओ हमारी वो मैम में रिसर्च हो चुकी है। अगर मेरा मैक्स कंजप्शन दिखाओ, मेरा मैक्स कंजप्शन 18, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 30, हो जाएगा भाई, हो जाना चाहिए। अच्छा नहीं, अभी हो जाना नहीं, अभी देखो हमने ये इसमें वो नहीं लगा के गए थे, ठीक है रेसिपी नहीं लगा के गए थे, अब हमने रेसिपी लगा दी, अब हम चेक करते हैं। अच्छा अब भी इतना ही है भाई। ठीक है, अगर हमारी सारी की सारी मशीनें ऑन हो जाती हैं, 18 की पावर लेगा, हम 30 की प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सही चीज़ हो गई है। साथ साथ इसका एक बार एक और लगा दो भैया, थोड़ा सा ऐसे करके लगाओ। ठीक है, ऐसे करके हमने ये लगाया, उसी के साथ साथ इसको जोड़ा, और बाकी का जितना गलत हो जाता। अभी हमने वुड डाल दी थी, वुड नहीं देनी है हमें इसको, ये देना है। ठीक है, कि हमारे पीछे पीछे भी जब हम यहाँ ना हो तो ये काम जो प्रोसेस है ये ऑटोमेट होता रहा भाई, और बढ़िया तरीके से काम करता रहा। अब दोनों के दोनों हमारे लिए कॉन्क्रीट बनाएंगे, और दोनों के दोनों को कंबाइन करके जो हमने क्या किया, बॉटल नेक अगर कहीं हो रहा होगा तो वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। यहाँ का काम हो गया, यहाँ का काम करने के साथ साथ हम वापस चले। वापस चलने के साथ साथ अपन ने सारा का सारा तो ओ अपन ने सारा का सारा वहाँ कोई नहीं, हमने जितना भी बायोफ्यूल था वो सब का सब यहाँ छोड़ दिया। अब हमें इसीलिए वो जो छोटा सा डब्बा लगा के गया था ना मैं वहाँ पे, वो इसी के लिए लगा के गया था कि अपने लिए जब हमें बायोफ्यूल चाहिए होगा तो हम उठा लेंगे। भैया पॉइजन तुम्हारा भी करेंगे कुछ ना कुछ हिसाब किताब। इन्होंने गेम में ऐड किया है कि भाई एक्सप्लोजिव ऐड किए हैं, धीरे धीरे करके हम इनको भी पत्थरों को बड़े वालों को उड़ा सकते हैं आगे जाके गेम में, जब हम एक्सप्लोर कर लेंगे। अभी के लिए हमारी फैक्ट्री काम कर रही है, हमारी फैक्ट्री बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। और अब हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले तो अपनी जेबों में बायोफ्यूल डाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी हार्ड ड्राइव ने क्या दिया हमें। हम यहाँ आने के साथ 130 जितना भी है ये हमने उठा लिया अपने लिए। ठीक है जी, ये जो फैक्ट्री है नीचे वाली, ये हमारे लिए काम कर रही है भाई। इसमें जितना भी प्रोडक्ट बन रहा है वो मैं अपनी जेबों में भरने के लिए कर रहा है, इससे मैं क्राफ्टिंग नहीं करने वाला। क्राफ्टिंग के लिए हम आगे सेकंड फ्लोर बनाएंगे, जिसमें हम अलग ही मटेरियल्स बनाएंगे। ठीक है, हमारी हार्ड ड्राइव स्कैन हो चुकी है, गेम हमें कह रहा है, गेम ने हमें बहुत सही। सो गाइज, हमारे पास देखो दो रेसिपीज आ गई हैं, दोनों में से हम एक सेलेक्ट कर सकते हैं, और 10 मांगता है अल्टरनेटिव स्टिच्ड आयरन प्लेट, मुझे ये भी सही लग रही है यार। स्क्रूज वाली मैं जनरली अवॉइड ही करता हूँ, क्योंकि स्क्रूज ना बहुत ज़्यादा बनते हैं और बेल्ट में प्रॉब्लम करते हैं। स्क्रूज वाली में मतलब प्रॉब्लम ये रहती है, देखो जो हमारी बेल्टें हैं वो सिर्फ
60 का मटेरियल लेके जा सकती हैं, ठीक है। स्क्रूज ही भाई बहुत लेवल पे बनते हैं और बहुत बहुत मांगता है, तो उसके लिए जाता हूँ, हमारे पास बहुत तगड़ी तगड़ी बेल्टें होनी चाहिए। स्टार्टिंग में हमारे पास बेल्टें हैं नहीं बढ़िया, तो हम इसको अवॉइड ही करेंगे। तो हमने भाई ओके जी क्या हो गया, ठीक है जी, हम यहाँ आए। आने के साथ हमारे पास दो ऑप्शन है, हम इसको एक बार और रीस्कैन कर सकते हैं। रीस्कैन करने के बाद हमको एक और एक टाइप की डिफरेंट टाइप की रेसिपी देगा, बल्कि मैं ये सोच रहा हूँ कि ये बना लिया जाए। आयर कॉपर, अगर हम कॉपर एक्स्ट्रा लेके आएंगे तो ये मेरे लिए अगर हम स्क्रूज को हटा सकते हैं फिर इससे, है ना, स्क्रूज। एक बार गाइज मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ क्योंकि ये बातें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, हम ऊपर वाली सेकंड फ्लोर का स्टेज बनाने वाले हैं, जिस पे मेरे को डिसाइड करना है कि इन दोनों में से, जैसे ये वाली जो रेसिपी है ये मांग रहा है मुझसे 6 प्लेटें, और फिर उसके बाद मांग रहा है 12 आयरन की ये स्क्रूज। हाँ, ये थोड़ा सा दिक्कत वाला, स्क्रूज वाला दिक्कत वाला कहानी है। तो मैं काम करता हूँ, स्क्रूज वाली कहानी को हटा ही देता हूँ ना, जब हमारे पास ऑप्शन आ ही गया है हम ये ले लेते हैं भाई। हमने ले लिया, हमें दे दो भाई ये रिवॉर्ड। हमने उसी के साथ अपना अल्टरनेट रेसिपी खोल ली। अब क्या होगा, देखो अगर हम ऐसे करके ऊपर जाके असेंबलर्स लगाएंगे तो हमारे पास दो रेसिपी आ गए भैया, दो रेसिपीज आ गई हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है, वो भी ज़्यादा ले रहा है भाई, इंग्रेडिएंट्स भी ज़्यादा ले रहा है। 10 स्टील ले रहा है, ये वाली 6 स्टील की मतलब आयरन की प्लेटें ले रहा है, और ये 10 आयरन की प्लेटें ले रहा है, लेकिन बदले में हमें 3 दे रहा। बहुत बढ़िया, हम इसी को बनाएंगे भाई ऊपर जाके, ठीक है जी। अब एक बार और भी चीज़ें को रिसर्च कर लेते हैं और फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर बनाने के लिए लग जाते हैं। हमारे पास देखो क्या क्या पड़ा है, हमारे पास एलियन एक बार उठा लेते हैं, यहाँ हमने जमा करके रख रखी हैं ये सारी चीज़ें। हमने ये जमा किया हुआ, हमने ये जमा किया हुआ, ये जमा किया हुआ, ये जमा किया हुआ है, ये ठीक है। हमने एक बार क्या करना है, हमने इसको थोड़ा सा डिलीट करो, जो जो चीज़ें मुझे लग रही हैं कि इंपॉर्टेंट होंगी, और क्या डिलीट कर सकते हैं हम, डिलीट फिलहाल के लिए तुम इधर चले जाओ और तुम इधर आ जाओ। चलो भाई अब थोड़ा सा रिसर्च खेलते हैं। हमने यहाँ आए, हमारे पास ये है, ये कह रहा है कि एक चाहिए होगा रिसर्च के लिए, हमने एक दे दिया, तो ये हमारा हॉग रिसर्च कर रहा है। उसी के साथ हमारा देखो बायो ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज खुल गई हैं, जो रिवॉर्ड है, ठीक है भाई। हमारे पास एलियन डीएनए और बायोमास रिवॉर्ड में आ चुका है। बायोमास वैसे भी हम आगे जाके खोल, ये दीदी शांत हो जाओ मैं बता तो रहा हूँ, बायोमास वैसे भी हम उससे खोल चुके हैं, तो बायोमास के अल्टरनेटिव था अगर हमें यहाँ से खोलना होता, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ मैं जो चाहूँगा वो होगा ये, इससे क्या होगा हमारी 6 इन्वेंट्री के स्लॉट्स बढ़ जाएंगे, और इसके लिए भाई हमें 3 एलियन के प्रोटीन चाहिए। एलियन के प्रोटीन मांगता है, अपन एक बार इसको भी रिसर्च कर लेते हैं, ये भी हमारे पास जेब में पड़ा हुआ। इसको रिसर्च करने के साथ देखो जैसे जैसे अगर ये वाले भी रिसर्च कर लेंगे ना तो ठीक है दीदी। तो अगर हम फिर से जाके आपको दिखाएं एलियन उसमें, तो ये नीचे वाले भी खुल गए भाई। नीचे वाले क्या कह रहा है, ये मुझसे आओ, ये मुझसे एक्स्ट्रा चीज़ें मांग रहा जो अभी हमारे पास है नहीं। हम ये खोल सकते हैं, ये चीज़ मैं खोलना चाहूँगा, ये मेरे 6 इन्वेंट्री के स्लॉट्स बढ़ा देगा। और ये कैसे खोलेंगे, ये हम खोलेंगे भाई अगर हम यहाँ आए। देखो अभी अभी जस्ट हमने ये खोला था, हमने प्रोटीन खोल लिया, हॉक प्रोटीन खोल लिया हम जल्दी से। अच्छा हमारे पास जगह नहीं है भाई, जगह बनाते हैं। थोड़ा सा एक काम करो, फिलहाल के लिए जगह के लिए तुम डिलीट हो जाओ, ठीक है, तुम डिलीट होगा, तुम ज़रा बन जाओ। 1, 2 और 3, 3 हमने ये बना लिए। 3 बनाने के बाद हम इधर आए, इधर आने से पहले एक बार और एक चीज़ और करनी पड़ेगी, थोड़ी सी और जगह बना। देखो जगह की ही प्रॉब्लम हो रही है, तो जगह का ही हम काम कर रहे हैं फिलहाल के लिए, ताकि हमारे पास 6 स्लॉट्स और आ जाएंगे तो हम और बढ़िया तरीके से काम कर सकेंगे। हमें इसमें केबल मांग रहा था, केबल हम बहुत बढ़िया तरीके से बना के रख रहे हैं। केबल किस वाले में, केबल इस वाले में भाई, 1000 केबल मांग रहा था, तो हम ले कर चलते हैं, ठीक है, हो जानी चाहिए, अब सब कुछ हो जाना चाहिए। एक बार चेक करके देखते हैं। हम यहाँ आए, आने के साथ देखो हम क्या मांग रहा भैया, हमसे सब कुछ मांग रहा है, और ओहो एक ये भी तो करना पड़ेगा। ओके थोड़ा सा और बनाने पड़ेंगे भैया, कोई नहीं हम थोड़े से और बना लेते हैं, हमारे पास हैं, ठीक है, अब नहीं है मेरे पास, अब कुछ एक्स्ट्रा मत मांग लेना भाई। सबसे पहले ये वाला पार्ट खोल लिया हमने, इसको खोलने के साथ ये एक तो हमारा ये खुल जाएगा भाई, डीएनए खुल जाएगा, डीएनए कैप्सूल खुल जाएगा, और साथ साथ अब हम ये सारी चीज़ों को भी रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है दीदी। एक ये भी रिसर्च कर दो मेरे लिए, दीदी शांत, ठीक है।
हमने ये सारी चीजें रिसर्च की और उसी के साथ साथ गाइस हमने अपना प्लेयर को अपग्रेड कर लिया। और ये देखो अब हमारे पास 6 और स्पेस आ गई है, स्लॉट्स आ गई है, हमें इजी पड़ेगा। अब दीदी भी हमें यही बता रही है कि हम तुम्हारी वो जो इंक्रीज हो गई है उससे तुम्हें इजी पड़ेगा। वेरी नाइस। अब जी नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में दीदी देखो मेरे पास एक ये है, एक बार इसको रिसर्च करो और बताओ मुझे कि क्या खोलेगा। ये भाई नया नई चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें अभी अभी ऐड हुई हैं। ओके 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 पर्सनल, बहुत सही भाई, बहुत सही। ठीक है जी, ये क्या करेगा, ये हमारा टेलीपोर्टर की तरह काम करेगा कि हम इसमें ये समझ लो एक टेलीपोर्टर वाला स्टोरेज हो जाएगा। हम जितना भी सामान इसमें डालेंगे और फिर कहीं और जाके वो स्टोरेज बनाएंगे तो उसमें से वो वाला सामान निकाल सकते हैं। समझ लो वाईफाई से कनेक्ट कर रहे हैं हम अपनी सारी की सारी चीज़ें। हम बनाएंगे भाई ये बहुत जल्दी बनाने वाले हैं। ये हमारे पास सैम और अभी है नहीं, और ये भी हमारे पास अभी है नहीं। अभी हमारे पास जो जो है हम सिर्फ उसको रिसर्च करके देखना चाह रहे हैं। एक बार इसको रिसर्च करो भैया, इसको रिसर्च करने के साथ ये हमारे पास है नहीं, ये हमारे पास है, इसको रिसर्च कर लो। ठीक है भाई, इसको रिसर्च किया। अब जब हम ये वाला रिसर्च करेंगे तब जाके ये वाली चीज खुलेगी। ठीक है, नेक्स्ट में क्या करना है दीदी शांत। ठीक है जी, उसके साथ पावर स्लग, पावर स्लग को भी एक बार कर लो। एक बार पावर स्लग को भी हमने कर लिया। पावर स्लग को करने के बाद ओकीस करते हैं भाई, करते हैं सल्फर, सल्फर को भी कर लो। जितना मटेरियल पड़ा है उन सबको आज में ही निपटा देंगे। सल्फर को कर लिया, सल्फर के साथ ओके हैंड स्लॉट, वैंड स्लॉट ये अभी हम खोल नहीं सकते, बनाना पड़ेगा मतलब इनके लिए चीजें। हार्ड ड्राइव, ठीक है दीदी शांत, दीदी शांत। उसी के साथ सल्फर के साथ क्वार्ट्स, क्वार्ट्स हम कर चुके हैं। क्वार्ट्स एक ये मांगता है, नहीं 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 अभी नहीं। सिलिका, सिलिका बनाने के बाद ठीक है, ये हम जब सेकंड फैक्ट्री बना लेंगे तब बनाना इजी हो जाएगा। अभी के लिए जितने मेरे को सामान खोलना था वो मैंने खोल दिया, और जो इंपॉर्टेंट वाली चीज़ थी 6 स्लॉट्स वो हम बना चुके हैं। ठीक है भाई, अब हमने क्या करना, देखो ऐसे करके ये सारी चीज़ें उठाई, तुम इधर चले जाओ, तुम इधर चले जाओ, तुम और तुम चले जाओ। जो जो चीज़ें अभी मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है वो सब मैं यहाँ पटक रहा हूँ। ठीक है भाई, और सारी की सारी चीज़ें लगेंगी। हम एक काम करते हैं, हम अपनी जेबों में जो जो सामान पड़ा है जैसे कि वुड पड़ी है, वुड को यहाँ डालते हैं। ग्रीन वाले में हम पत्तियाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा, और साथ साथ एक काम करेंगे भाई, इसमें आके ये जो बायोमास 9 पड़ी हुई है इसको यहाँ डाल देंगे ताकि ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाए। ठीक है भाई, टॉर्च की ऑफ, टॉर्च ऑफ करने के साथ अब हमारे पास इनफ आ गया है। क्या आ गया है, कॉन्क्रीट। अब हम बनाना शुरू कर सकते हैं अपनी सेकेंड फ्लोर। इसमें कितना पड़ा, इसमें से भी निकाल लेते हैं जितना भी पड़ा, 171 पड़ा था, हमने यहाँ से निकाल लिया। साथ साथ एक चीज़ और मैं देखना चाहूँगा कि अगर हम केबल, केबल की थोड़ी सी कमी हुई, केबल उठा लो पहले, तो केबल हमने उठाई यहाँ से थोड़ी सी। मैं ये चेक करना चाहूँगा कि हमारे पास मटेरियल है क्या, मतलब कोई डिफरेंट टाइप का मटेरियल है जिससे हम दीवारों का कलर चेंज कर सकें। अगर हम यहाँ आए वॉल्स पे गए, देखो भाई ये सारी तरीके की दीवारें हैं, ठीक है, ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, ये हमें चाहिए, और साथ साथ हमें और क्या क्या चाहिए एक बार चेक करते हैं। कस्टमाइज और ओके कॉन्क्रीट, ओ ये भी चाहिए भाई, ये भी चाहिए, अपने को चाहिए बहुत कुछ। एक काम करता हूँ, थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करेंगे फिर उसके बाद फिर सेकंड फ्लोर बनाएंगे। हमने एक ऑसम सिंक जो है, ऑसम सिंक वहाँ पे बना के रख रखी है, उसी में जाके एक बार कूपन उसके उससे उठा के लेके आ जाते हैं। चलो भाई कूपन उठा के लेके आएंगे और फिर शॉपिंग करेंगे और उसके बाद फिर बनाएंगे, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी चाहिए होंगी जो हमें सेकंड फ्लोर बनाने में मदद करेगी। हम यहाँ आए, आने के साथ ये हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सिस्टम बना के गए थे, इसको भी डिलीट कर सकते हैं अगर इसने काम कर दिया होगा पूरा। इसने अपना काम पूरा कर लिया। हमने क्या किया, हमने यहाँ से 15 कूपन पहले से ही बना के रखे हैं, हमने ये 15 कूपन निकाले, इसको अपनी जेब में डाला और फिर इसको हमने डिलीट कर दी, क्योंकि अब इसका काम हो चुका है, अब इसकी ज़रूरत यहाँ पर है नहीं। ठीक है भाई, क्योंकि जो फैक्ट्री मैंने यहाँ से डिलीट की थी उसी फैक्ट्री को उसी के फैक्ट्री के जितने एक्स्ट्रा पार्ट हमें बचे थे वो सब हमने बर्न कर दिए। अब हमें ले चलो अपनी मेन फैक्ट्री में, अब सिर्फ और सिर्फ हमारी ये स्टार्टिंग फैक्ट्री है भाई, और कोई और फैक्ट्री नहीं है, और छोटे छोटे आउटपोस्ट हैं। ठीक है, अब हम एक डेडिकेटेड वैसे तो जगह बनानी है, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं नहीं अभी अभी के लिए सिर्फ पहले शॉपिंग करते हैं, एक डेडिकेटेड जगह बाद में बनाएंगे ऑसम सिंह के लिए। अब देखो भाई मेरे को शॉपिंग में एक ये मांगता, एक ये मांगता, एक ये मांगता, ठीक है भाई एक ये मांगता, अपने पास कितने, अपने पास 15 कूपन है, और टोटल अभी 6 की चीज़ें हमने खरीद मतलब कार्ट में डालनी है। एक साथ मैं 15 की चीज़ें खरीदना चाहूँगा, साथ साथ कॉन्क्रीट में, कॉन्क्रीट में वैसे ये खरीदना तो चाहूँगा,
ठीक है, एक में जो ये भी मांगता है, ठीक है, एक ये मांगने के साथ, ओ ये नया है, ये बढ़िया भाई, ये बढ़िया है, या तो नया है या तो मैंने देखा नहीं होगा पहले कभी। ठीक है, हम एक ये मांगता है और कितने हो गए, 14, 14 हो गए। हमें एक और कोई वो है जिसको यूज़ करना चाहिए, जो कि कंस्ट्रक्शन फेंस, भाई यार बहुत सही सही चीज़ है यार, धीरे धीरे करके सब खोलेंगे। और एक हम मांगता है ये, ठीक है, हमने क्या किया, हमने 15 की चीज़ें बना ली, 15 अभी अभी हम लेके आए हैं कूपन, और उन 15 की चीज़ों को अपन ने खरीद लिया। और गाइस ई देखो, ई बहुत सही चीज़ है, ई है हमारा कप, इसमें हम पीता है चाय और बनाता है भैया फैक्ट्री, बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से। ए दीदी शांत, दीदी मेरा चाय का मूवमेंट खराब कर दिया, पार्ले जी मार दूंगा मुंह पे। चलो एक काम करते हैं भाई, इसको डिलीट करो और जल्दी जल्दी से सेकंड फ्लोर बनाते हैं वरना लेट हो जाएंगे। हमने सेकंड फ्लोर कैसे बनानी है वो भी देखना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, यहाँ से बनाना शुरू करते हैं भाई, ठीक है जी, आओ आ जाओ। और उसी के साथ फाउंडेशंस, ठीक है, वॉल का कलर, कोई और वॉल का कलर, एक बार अगर हम वॉल का कलर जो है यहाँ से आए, वॉल का कलर ऑरेंज ही है अपने पास, कोई नहीं, हम एक काम करते हैं भाई, ऑरेंज ऑरेंज से ही बना देते हैं, बाद में हम कलर चेंज कर लेंगे। हमने ऐसे करके 1 2 3 4 5 5 हमने 5 आसमानों पर पहुँचा दी, ठीक है, मुझे लग रहा है 4 भी इनफ होती है, बट मैं 5 से बनाता हूँ, 5 से थोड़ा हेडरूम मिल जाता और इजी पड़ता है। वैसे वैसे 4 से भी बना सकते हैं क्योंकि ये तो नीचे वाली ही है। इसको इसको देखने के लिए, चेक करने के लिए पहले मुझे एक ये बनाना पड़ेगा। हम यहाँ ऊपर चले, ऊपर चलने के साथ अब देखो, वैसे 4 पे भी बना सकते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा हेडरूम मिलेगा अपने को 4 पे बनाएंगे। वैसे तो 3 पे भी बना सकता हूँ मैं, इतनी कोई कोई ऊपर मशीनें जा नहीं रही हैं हमारी। अगर हम 3 पे बनाएंगे, समझ लो 3 पे हमने यूं करके बनाई, और 3 पे बनाने के बाद मैंने फिर इस पे एक फ्लोर लगाई, ठीक है भाई, फ्लोर हमने कुछ इस टाइप से लगाई, और इस टाइप से लगाने के बाद समझ लो ऐसे करके फ्लोर लगाई। अब मुझे ये चेक करना है कि कितना हेडरूम है और कितना नहीं है भाई इसमें, इसमें हेडरूम वैसे तो है, हेडरूम काफ़ी हेडरूम है, बढ़िया हेडरूम है, पर फिर भी एक और ऊपर बना देते हैं, वो नहीं करते, लालच नहीं करते हमेशा। लालच में क्या होता है, लालच में थोड़ी सी गंदी बन जाती है, लालच में ये रहता है एक जगह बचा लो, इसमें थोड़ा सा कुछ वो कर दो, इधर से उधर लगा दो, एक और एक्स्ट्रा, हाँ ठीक है, फॉर सेफ्टी, फॉर सेफ्टी के लिए हम 4 पे बनाएंगे सारा भाई। 4 पे बनाना शुरू कर दिया हमने, और उसी के साथ बहुत ध्यान से हमने ये नीचे वालों को डिलीट कर दिया, कोई और डिलीट ना हो जाए ना हमारी फैक्ट्री रुक जाएगी। हमने इसको डिलीट किया, और डिलीट करने के साथ अब देखो भाई, यहाँ पे 2 लेवल अलग अलग जा रहे हैं फैक्ट्री के, पर ठीक है हम इसी लेवल पर बनाएंगे। बहुत ही शानदार सेकंड फ्लोर बनने वाली है, और कुछ ज़्यादा ही जगह मिल जाएगी भाई अपने को। हम क्या करेंगे, हम अभी के लिए सिर्फ इतनी बना के देखता हूँ, ठीक है जी, सिर्फ इसके साथ ये आ जाएगा, ठीक है बढ़िया। यहाँ से हमने ऐसे करके यूँ किया, और यहाँ से यूँ करने के बाद अब हमने इसको कनेक्ट करने की कोशिश की सब, ठीक है भाई तुम हो जाओ डिलीट, तुम डिलीट होने के बाद तुम भी इधर, ए गलत नहीं भाई, ठीक है भाई तुम इधर लग जाओ। लगने के बाद एक बार चेक करके आते हैं कि कितना, काफ़ी ऊपर बन जाएगा, लेकिन ठीक है हम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे भाई। जितना ऊपर जाएंगे उतनी हमें दिक्कत आएगी सामान को नीचे ले जाने में और ऊपर ले जाने में, ये बात का ध्यान रखना। इसीलिए जनरली जब हम स्टार्ट नए नए होते हैं, प्लेयर होते हैं, तो हम नीचे नीचे ही बनाना प्रेफर करते हैं, सारा कुछ नीचे नीचे छोटी छोटी सी फैक्ट्रीज बना के। बट हाँ, एक बार अगर आपको आइडिया हो जाए कि गेम कैसे काम कर रही है, फिर आप ऊँचाई, भाई ए भाई तुम्हारा अलग ही चल रहा है भाई, कौन से नशे करते हो तुम, ये क्या ड्रामा भाई, ये क्या ड्रामा भाई, अरे भाई चचा कहाँ आ गए तुम, यहाँ चलो भाग जाओ यहाँ से, ए टिक जा एक जगह, टिक जा, ठीक है भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। और उसी के साथ हमने इसको क्लोज कर दिया, अभी नीचे जाके कहीं ना कहीं मंडराएगा, बाद में देखेंगे इसको अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ मैं कह रहा था कि भाई ओ हमारे तो अभी से ही पहुँच गए हम यहाँ तक ऊँचाइयों पर, अगर मैं थोड़ा सा और तीसरा फ्लोर बनाऊँगा तो फिर तो ये हमारे मतलब फैक्ट्री के आर पार जाएगी। और पहले क्या करती थी मैं इस जगह पर यार, इसलिए नहीं बनाता था गेम में जब भी मैं पहले खेलता था, क्योंकि जब ये आर पार जाती ना फैक्ट्री से तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती थी पहले, तो क्या करती थी कि FPS ड्रॉप हो जाते थे। अब चेक करते हैं क्या पता इन्होंने वो कर दिया हो, कुछ तो कर दिया हो भाई, फिक्स कर दिया हो। हम और भी आगे जा सकते हैं, अब तो ऊपर हैं, ऊपर तो हम कहीं पे भी जा सकते हैं।
ठीक है भाई ऊपर में, ठीक है एक बार नीचे चल के देखते। ओ वाह लगेगी चोट, और लगी चोट। सही है भाई सही है। हमने इतनी सेकंड फ्लोर बनाई और सेकंड फ्लोर पे मुझे लग रहा है कि मैं अगर आगे तक भी खींचना चाहूँ तो खींच सकता हूँ। एक बार चल के देखते हैं पहले तो। चलने से पहले हाँ देखो ये चीज़ मैं चेक करने आया था यहाँ। ऐसे करके हम यहाँ से ऐसे करके और बनाएंगे और एक और लेवल है ना, दो एक या दो और लेवल हम खींच सकते हैं। और इधर आओ, इधर आने के साथ दो और लेवल खींचेंगे। दो और लेवल खींचने के बाद भाई तुम चले जाओ वहाँ और तुम चले जाओ वहाँ। ठीक है भाई ठीक है बढ़िया बढ़िया। बाद में लाइटें खुलेंगी गाइस तो बाद में लाइटों वाला भी हिसाब किताब कर लेंगे, बट अभी हमारी लाइटें खुली भी नहीं है तो अभी हम यूज़ नहीं कर सकते लाइटों को। हम यहाँ पर ऐसे करके आए और ऐसे करके आए। ये जो है हिस्सा ठीक है बना दो, बाद में देखी जाएगी, अभी के लिए तो बना दो। अब हमने वॉल्स लगानी शुरू करते हैं। वॉल्स जो हैं वॉल्स लगेंगी भाई, वॉल्स को ऐसे करके यहाँ तक लगाओ। बाद में मैंने सोचा है इसको भी बाहर निकाल के इसमें पिलर लगा दूंगा साइड साइड में। भाई बहुत सही लगेगी, पिलर से कुछ ज़्यादा ही बढ़िया सी लग जाएगी। साथ साथ हमने ऐसे करके और यहाँ निकाली, ठीक है। और निकालने के बाद अब हमने इसको भी कनेक्ट करना शुरू किया, ठीक है। तुम ऐसे कनेक्ट हो जाओ, साथ साथ तुम नीचे आ जाओ, ठीक है भाई। और तुम भी नीचे आ जाओ, इस तरफ की तो क्लोज कर ही देते हैं। ठीक है भाई इस तरफ हमने क्लोज कर दी। इस तरफ क्लोज करने के बाद ये वाली जो पार्ट है इसको भी ज़रा क्लोज कर दो। नीचे आओ और नीचे आओ। अभी के लिए ये हमारी एंट्रेंस है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। दो एंट्रेंसेज हैं, करेंगे इसकी एंट्रेंस प्रोएंट्रेंस भी प्रॉपर करेंगे, कहाँ से आना और कहाँ से जाना। अभी के लिए तो मैं सिर्फ इसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कवर में देखो यहाँ पर दिक्कत आएगी कि ये बाहर निकल आएगा, तो हम इस दिक्कत को कैसे सॉल्व करेंगे। हम इस दिक्कत को ऐसे सॉल्व करेंगे कि हम दो ऐसे ये करके लेंगे और साथ साथ इसको डिलीट करेंगे, और डिलीट करने के बाद फिर हम यहाँ से लेंगे इसको, ठीक है भाई। यहाँ से हमने ऐसे करके ये बनाया, काफ़ी ज़्यादा हमारा मटेरियल लग रहा है लेकिन फिर भी हम बनाएंगे क्योंकि इससे हमारे FPS बचेंगे गाइज और अच्छा भी लगेगा। हमने ऐसे करके साइड साइड से भी अपनी फैक्ट्री को कवर करना शुरू कर दिया। बहुत शानदार फैक्ट्री बनाऊंगा, कुछ ज़्यादा ही शानदार। अरे भाई लग जाओ आज का लग जाओ उसी के साथ। अरे ये तो मैं भूल गया था, ये बात मैं भूल गया था कि इसमें तो भाई वो बहुत ज़्यादा मटेरियल लग रहा है। इसमें हमारा वो आयरन की प्लेटें लग रही हैं। आयरन की प्लेटें एक बार चेक करके आते हैं कितनी है, ठीक है। हमने बेसिक तो समझ गए हम कि ऐसे करके हम कवर करेंगे। अब हम और ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, अब हम ऊपर चल रहे हैं और बनाना भी शुरू कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जितने हम कवर करेंगे बाद में फिर हमारे प्रोडक्ट्स बनते रहने चाहिए उस टाइम तक। चलो भाई एक सेकंड देना भाई, ये कहाँ को किधर को है ये हिसाब और किताब। इस वाले में, इसमें किस में है इस वाले में है, ठीक है। हमने इसमें से क्या किया, स्टील निकाल ली अपने लिए। और स्टील निकालने के बाद अब जो है, अब मुझे ये देखना है कि मेरे को ऊपर कहाँ से जाना है। इस पे ऊपर जाने के लिए कैसे जाया जाए। ऊपर के लिए अभी के लिए तो मेरे को मुझे वही लग रहा है कि कैसे जाएं। या तो मैं रैंप सिस्टम लगाऊं, एक बार रैंप सिस्टम लगा के देखते हैं। या सीढ़ी भी लगाने की सोच रहा था बट सीढ़ी से भी प्रॉब्लम ही आएगी। एक बार रैंप सिस्टम लगा देते हैं, ये टेम्प्रेरी रहेगा गाइस। ये भी हम चेंज करेंगे जब हम अपनी डिसाइड कर लेंगे ना कि हमारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं और कहाँ को जा रही हैं। तब तक के लिए हमारे लिए ये सीढ़ी है, ठीक है भाई। अपन यहाँ से चढ़ेंगे, चढ़ने के बाद अपन ऊपर आए। इसको डिलीट कर दो, एक की ज़रूरत नहीं। हाँ इसको ऐसे कर दो, ठीक है भाई। समझ लो हम यहाँ से आए, आने के बाद हमें यहाँ पर चीज़ें लेके आनी है। अब हमें क्या क्या बनाना है यहाँ, अब हमें यहाँ पे लगाने हैं असेंबलर्स। लगाने के लिए अगर हम यहाँ आके चेक करें, असेंबलर भाई तुम जो है, अगर तुम मेरे को रीइंफोर्स्ड स्टिच वाला चाहिए, रीइंफोर्स्ड स्टिच वाला कितना मांगता है,
तुमको मांगता, ओ तुम्हारा तो कैलकुलेशन ही तो थोड़ा सा गड़बड़ है। अगर हम इसको पावर से कनेक्ट करें, पावर से कनेक्ट कर दो भाई, इस मशीन को पावर से कनेक्ट कर दो ताकि मैं इसकी मैथ्स कर सकूं। ए भाई इस पर कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। अब ये कनेक्ट हो गई, अब ये कनेक्ट हो गई। कनेक्ट होने के बाद अब हमने इसमें सामान दिया, सामान देने के बाद तुम सामान चले जाओ। अच्छा ये वाला सामान मांगता है, सामान के साथ ओ अंडर क्लॉक एंड ओवर क्लॉक नहीं कर सकते हम। अय्या ये तो गलत बात है भाई, ये तो बहुत गलत बात है। ठीक है कोई नहीं, अंडर क्लॉक एंड ओवर क्लॉक नहीं कर रहे तो हम उसका एक जुगाड़ करना पड़ेगा। जुगाड़ कैसे करना पड़ेगा, पहले हमें वो खोलना पड़ेगा। हम जरा सा एक बार रिसर्च करके आते हैं और देखते हैं कि अंडर क्लॉक एंड ओवर क्लॉक में क्या क्या मांगता है। हम भाई यहाँ आए, आने के साथ हमें चाहिए ओवरक्लॉक वाली जो टेक्नोलॉजी थी उसको ऑन करना, ये वाली हमें ओवरक्लॉक प्रोडक्शन करना है, जिसमें हमें एक ये मांगता है, शार्ड मांगता है। तो हम एक काम करते हैं, जल्दी से यहाँ से एक शार्ड निकालते हैं और शार्ड को कन्वर्ट करते हैं पहले तो पावर उसमें। ये स्लग है, ठीक है, स्लग को कन्वर्ट किया पावर शार्ड में, और पावर शार्ड को हमने यूज़ कर लेना है यहाँ रिसर्च में। पावर स्लग्स में गए, ठीक है रिसर्च कर दो। इसने हमारे को रिसर्च कर दी, ठीक है भाई, इसने हमारे को रिसर्च कर दी, बहुत बढ़िया, थैंक यू दीदी। अपन बता रहा है, अपन यहाँ है तो तुम शांत हो जाओ। अब हम क्या कर सकते हैं गाइस, हमने क्या किया, ओवरक्लॉक वाला फीचर को ऑन कर लिया है। अब हम किसी भी अपनी मशीनों को ऐसे करके, जैसे मैंने अभी आपको लगा के दिखाई थी, इस मशीनों को हम अंडर क्लॉक एंड ओवर क्लॉक कर सकते हैं। और ये मैं करने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक बार जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितना कितना मटेरियल लेके आना है मुझे। अगर मैं यहाँ कहूँ कि मुझे सिर्फ 5 चाहिए तो 5 में ये मुझसे मांगेगा, 16 प्लेट्स मांग रहा है और 33 ये मांग रहा है। 33 की जगह अगर इसको बिल्कुल ही 80% कर दो, 80% पे, हाँ 80% पे थोड़े से अचीवेबल नंबर्स हैं, क्योंकि 15 को हम बैलेंस आउट कर सकते हैं, 0.5 के चक्कर में ना थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। हम क्या करेंगे भाई, ऐसे करके हम 2-3 लगा देंगे ये 15, हमें 15 प्लेटें आयरन की प्लेटें चाहिए और 30 वायर चाहिए। हमें पता है कि एक कंस्ट्रक्टर जो है, ये गाइस ये सारी की सारी मैथ्स मैं अपने लिए कर रहा हूँ, अगर थोड़ा सा बोरिंग पार्ट लगे तो समझने की कोशिश करना कि मैं अपने से क्या बातें कर रहा हूँ। ये 30 हमारी कंस्ट्रक्टर जो है हमें 30 वायर देती है, इसको अपने को 30 वायर चाहिए, ठीक है। 30 वायर के लिए मेरे को ठीक है ये 2 लगाएंगे तो 2 से 60 के बाद हो जाना चाहिए भाई। इसका बिल्कुल ही सिस्टम अलग अलग मेरे को बनाना पड़ेगा। आयरन की ओर एंड कॉपर की ओर, एक बार कॉपर की ओर पहले लेके आते हैं यहाँ। कॉपर की ओर भैया कहाँ हो तुम? एक तो ये वाला कॉपर की ओर हम यूज़ कर रहे हैं पहले से ही, 380 पे है। और कहाँ है भाई सबसे पास कॉपर की ओर? बस इतनी सी है? ये तो गलत बात है, ये तो बहुत ही गलत बात है तुम्हारी। 380 पे मेरे को तुम कॉपर की ओर दिखाता है और 560 पे दिखाता, और कहीं पे भी नहीं है, ये क्या ड्रामा है, ये तो गलत से लग रहा है। ठीक है भाई, 400 वाले को एक बार चेक करके आते हैं कि कितनी दूर है और कहाँ को लगेगा, और मेरे को लग रहा है मचटक जाएगा। सही है, ऊपर से ज्यादा इन्होंने मुझे लग रहा है वो कर दिया, कुछ तो नर्फ किया है इन्होंने। ओ हल्लू ए भाई, जाना चाहिए क्या? नहीं अभी नहीं जाना चाहिए, पहले हथियार बनाऊंगा फिर जाएंगे। ठीक है भाई, अपने को क्या करना है, अपने को ये को कौन सी ओर, बहुत ही सही भाई, ये भी काफी सही ओर है ये हमारा, समझ लो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट्स होते हैं ना उसमें बनने में मदद करती है, ठीक है जी। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक की चिप्स में गोल्ड टाइप होता है ना, समझ लो ये वो है। हर एक इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें जो हमारी बनेंगी, जैसे कि स्प्लिटर्स हो गए, स्मार्ट स्प्लिटर्स हो गए जिनको हम प्रोग्राम कर सकेंगे, वो सब इसमें बनेगा। हमने आके फिर से कॉपर की वो किया और को रिसर्च, ठीक है 140 यहाँ कहीं है। अब मुझे इस ओर को वहाँ लेके जाना है अपनी फैक्ट्री में। ओके नाइस, यहाँ से हम ये भी लेके जा सकते हैं, ठीक है जी। अपने आप से बातें करते रहो, अपने आप को बताते रहो कि कैसे कैसे बनानी है आपको आगे की फैक्ट्री। हमने यहाँ से लाइमस्टोन वहाँ लेके जाएंगे, साथ साथ ए भाई सामान पड़ा है यहाँ, सामान पड़ा है, इस सामान को तो अपन लेके ही जाएगा। जल्दी से ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर चढ़ो भाई, ऊपर चढ़ो।
ऊपर आए, ऊपर आने के बाद एक बार जंप मारी हमने, फिर इसको डिलीट किया, इसको डिलीट करने के बाद और ऊपर आए, ऊपर आने के साथ इस पेड़ को ज़रा काट लें क्या, उस पेड़ को ज़रा, ए भाई ए भाई ए भाई अभी गड़बड़ हो जाएगी पेड़ को, और इसको आए से रखो, पेड़ को ज़रा काटो, पेड़ को काटा, पेड़ को काटने के साथ ये है कॉपर, वेरी नाइस। कॉपर के साथ इधर एक बार इसको भी लेके चलते हैं, यहाँ शायद मर्सियर स्पीयर है, आर्टिफैक्ट्स होते हैं ये, ए भाई आर्टिफैक्ट्स होते हैं ये, और ये गेम में अभी तक इनका कोई काम नहीं था, लेकिन अब जब फाइनली गेम रिलीज हो गई है तो डेवलपर्स ने इसका काम डाल दिया है, और मुझे लग रहा है कि हमें सीढ़ी लगा ही लेनी चाहिए थी, बट ठीक है कोई नहीं, कभी कभार पार्कोर भी कर लेनी चाहिए। उसी के साथ देखो गाइस अपन यहाँ आए, पहले क्या होता था जब हम इसको उठाते नहीं थे तो ये बोलता था, क्या इस बार भी बोलेगा, इस बार बोल नहीं रहा, ठीक है इस बार बोल नहीं रहा, तो अपन इसको उठा लेंगे, जब इसका काम आया तो बोलना बंद कर दिया भाई तुमने। सही है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है जी हमने इसको उठा लिया, साथ साथ यहीं से मेरे को आयरन भी दिख रही है, बाद में अगर हमें आयरन भी चाहिए होगी तो हम उसी लाइन पे लेके चलेंगे जिस लाइन पे हम अभी कॉपर लेके जाएंगे। और क्या है भाई उस तरफ भी कुछ है, उस तरफ क्या है, उस तरफ भी, उस तरफ क्या है, उस तरफ कॉपर है क्या, कॉपर कॉपर एक तो हमारे पीछे हो गई, ये वाली क्या है, ये आयरन लग रही है, एक बार आयरन देखें, आयरन आयरन कुछ ज़्यादा ही है भाई स्टार्टिंग वाले एरिया में, ओ ये सॉरी आयरन है, इतनी ज़्यादा आयरन मतलब तुक नहीं बनता, कॉपर का भी तो तुम्हें बैलेंस आउट करना चाहिए, कॉपर भी तो रिक्वायर्ड है भाई रिसोर्स, एक रिसोर्स यहाँ है जिसको पत्थर के नीचे दबा के रखा हुआ है उन्होंने, बढ़िया है। हाइट पे हमेशा चढ़ के देखते रहो, हाइट पे चढ़ोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। गजब 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 भाई साहब, बहुत बहुत मिस किया यार मैंने इस गेम को। और गाइज इस बार ना थोड़ा डेवलपर ने ये किया है कि मुझे लग रहा है थोड़ा स्प्रेड आउट कर दिया है इन्होंने ओर्स, ताकि हम सबको जब हम बनाएं अपनी फैक्ट्रीज तो दूर दूर से सामान लेके आना पड़े, पहले तो ऐसा होता था एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाता था तो लोग स्प्रेड आउट नहीं होते थे, अब देखो भाई अब अपने को मेहनत करनी पड़ेगी ना भाई, यहाँ से वहाँ लेके जाना पड़ेगा, हम लेके जाएंगे इसको, हम इसका बहुत बढ़िया तरीके से ब्रिज बनाएंगे और फिर ए भाई ओ अब बात कर, अब भाई तो अरे भाई कुछ ये तो कुछ ज़्यादा ही शानदार सा हो रहा, अब बात कर ले मेरे को बात करने दे, ठीक है हमने इसको इसको उठाया, इसका रिमेन उठाया, इसको तोड़ा, और मैं सोच रहा हूँ कि इसको कैसे लेके जाया जाए, हम इसको प्रॉपर एक ब्रिज बनाएंगे, नॉर्मल पे हम ऐसे करके यूं करके लगाएंगे, और फिर बाद में नॉर्मल को हम एक बार ओवरक्लॉक करेंगे और इसको 120 का कर लेंगे भाई, ठीक है, और हमारी लेवल 2 की बेल्टें खुल चुकी हैं, हमारी लेवल 2 की बेल्टें खुल चुकी हैं, हम इसको 120 करके लेके जाएंगे, ठीक है 120 तो लेके जाएंगे, लेकिन किस टाइप से लेके जाएंगे वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहीं के यहीं साइड साइड में एक वो बनाएं ब्रिज टाइप बनाएं, ब्रिज वहीं से लेके आते हैं, वहां से लेके आएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलो भाई यहाँ पे एक क्या क्या खुल गया, ये अच्छा ये अभी अभी हमने उससे खोला है शॉप से, ऑसम शॉप से खोला, ये भी आगे जाके काम आएगा, बेटे मेरे को चटकाने की बात मत करना, हमारे पास कुछ खाने पीने के लिए भी नहीं है, अपनी हेल्थ बढ़ाने के लिए, अरे बेटे बेटे बेइज्जती हो जाएगी मेरी अगर तुम चटका दोगे मेरे को, मैं अनइंस्टॉल कर दूंगा गेम, इधर आओ, अरे इधर आओ, इधर आओ, अबे आजा, अबे आज में आजा, एक दो तीन चार, उसके साथ साथ इसको उठाया, इसको इसकी इसकी गार्डिंग कर रहा था भाई, जनरली जहाँ पे भी ये होते हैं ना उसके आसपास कोई ना कोई बढ़िया चीज़ होगी तभी आपको वहाँ मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। हमने इस शार्ट को उठाया, शार्ट अभी बहुत ही जल्दी हमारे काम आएगा, हमने यहाँ से ये पत्ती पत्ती उठाई, पोती पोती सब कुछ उठा, चचा घूम रहे हैं, चचा को घूमने दो, यहाँ ये वाला फ्रेंडली होता है ये कुछ नहीं करता, बट हाँ छोटे वाले थोड़े से नाक में दम कर देते हैं, ठीक है भाई अपन आ गए अपनी फैक्ट्री के पास। अब अपनी फैक्ट्री के पास यहाँ से केव है जो कि बहुत बढ़िया तरीके से लग रही है, हमें लेके आना है ऊपर तक, लेके आना है वहाँ तक, तो हमने एक काम करते हैं हम ऐसे करके यहाँ तक निकालते हैं, ठीक है भाई यहाँ तक निकाला हमने, और फिर उसके बाद हमने इस डायरेक्शन में लेके जाना, ठीक है अगर हम समझ लो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ का, तो यहाँ पे हम और ऊपर पहाड़ से भी लेके आ सकते हैं, वैसे अगर हम ऐसे करके पहाड़ों से लेके आएँ या यहाँ से लेके आएँ, क्योंकि वहाँ तक लेके जाना है बाकी भी सब आ जाएगा हमारा,
ठीक है, हम फैक्ट्री वैसे भी फैक्ट्री का हम और ऊपर ऊपर से भी कर सकते हैं, वैसे यहाँ तक भी ले सकता हूँ मैं फैक्ट्री को, ऊपर वाली फैक्ट्री को अगर हम यहाँ तक ले लें, ठीक है, और यहाँ तक इस टाइप से ले लें, यहाँ तक इस टाइप से ले लें, यहाँ तक इस टाइप से ले लें, और अभी थम जाए क्योंकि हमारा जो है भाई मटेरियल लग रहा है। ठीक है, अब हमें ऊपर जाना पड़ेगा और ऊपर जाने इस डायरेक्शन में जाएंगे, कर रहे हैं भाई। अगर देखो अगर हम ऐसे ही बनाना शुरू कर देंगे ना तो फिर अगर वहाँ से लाऊंगा तो क्लीन नहीं बन पाएगा। अभी हम क्लीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से सोचना पड़ता है उसमें रैंडमली अगर आपको। अब मैं सजेस्ट यही करूँगा भाई, सबसे पहले टिप यही है, किसी की भी मत सुनो, जो जैसा दिल कर रहा है वैसा बनाओ, पहले खुद से बनाओ, खुद से देखो, और फिर खुद बनाने के बाद जब तुम सीखोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा कि भाई इसको तो भाई ऐसे ही अभी हम राइड करना शुरू कर देंगे। हाँ, मैं कह रहा था कि आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा कि यार क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, हम यहाँ से एक अगर ऐसा करके डबल रैंप लगाने के बाद हमने यहाँ तक लेके जाने के बाद हमने सबसे पहले तो ये उठा लिया, इसको उठा लिया, कोई तो हम पर हमला कर रहा। बेटे चिरान, तुम यहाँ आना ज़रूरी था, तुम्हें आ जाओ, फिर आ ही जाओ। इसको उठाया, इसको उठाने के साथ ऊपर से लेके आएंगे क्योंकि अब हम हाइट से घबराते नहीं हैं। आ जा बेटे, ए भाई। ठीक है, हमने इसको उठाया, इसको उठाने के साथ एक बार यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ आसपास कुछ है, इतना बड़ा लैंड क्यों छोड़ रखा है इन्होंने, कुछ तो होगा इसके पीछे, कुछ तो है भैया। एक डॉगो दिख रहा है, आयरन दिख रहा है। हाँ ठीक है, आयरन दिखने तो, इस तरफ आवाज तो आ रही है मुझे, कहीं ना कहीं आर्टिफैक्ट्स की आवाज आ रही है, यहीं कहीं है भाई, है तो यहीं कहीं, या तो नीचे भी हो सकता है अंडरग्राउंड जो केव सिस्टम जा रही है ना। देखो यहां से काफी तगड़ी आवाज आ रही है भाई, नीचे लग रहा है इस इलाके के बिल्कुल ही नीचे लग रहा है भाई, हिसाब किताब। ठीक है, कोई नहीं, उसको वहां होने दो, ये बहुत बढ़िया, अपने को यहां से ऐसे करके लेके आना है। हमने क्या करना है अब, इसमें ऐसे करके एक ब्रिज टाइप बनाना है, और ब्रिज टाइप कैसा बनाना चाहूंगा मैं, एक बार वही चेक कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं बनाएंगे, कुछ इस टाइप से बनाना चाहूँगा जिसके हम नीचे भी जा सकें तो कुछ प्रॉब्लम हो ना। अगर हम इसको सिंगल वाले में मुझे लग रहा है ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। हम इसको सिंगल वाले को यहाँ तक लेके आओ भाई, सीधा सीधा यहाँ तक लेके आए, इसके आगे जा नहीं रहा। इसके आगे एक बार हमें वो भी चेक करना है कि एक बार इसको उठा लेते हैं, और कॉपर वाला भी चेक करेंगे, कॉपर वाला गया कहाँ, यहाँ तो आयरन हो जाएगा। इसी बेल्ट पे हम आयरन भी लेके जा सकते हैं, इस ब्रिज पे, ये काइंड ऑफ हमारा ब्रिज बन रहा है जो हमारी फैक्ट्री में सामान पहुँचाता रहेगा। हमने इसको उठाया, इसको उठाने के साथ साथ इधर आए, अभी तो देखा था इस वाली पहाड़ी पे शायद कॉपर इधर जाने के लिए, लेकिन हम तो उधर को चले गए, वैसे इतना पूरा है नहीं, अगर मैं इधर भी ले जाऊं तो भी आ सकता है, और फिर हमें बाकी की भी चीज़ें आ जाएंगी इस पे। अगर हम ऐसे करके आए, इस ब्रिज को और आगे लेके गए, इस ब्रिज को हम यहाँ से लेके गए भाई इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस पे हम बाद में ये सब चीज़ें भी डाल देंगे। और अब हमने इस ब्रिज को इस तरफ लेके गए, थोड़ा और आगे लेके चलो, ये भाई थोड़ा सा और आगे लेके चलो, और ले जाने के बाद, क्योंकि इस पे फिर ये वाला भी आ जाएगा आइटम, सही है। अब जो ऐसे कर लो, ठीक है, अब हमने ऐसे कर लिया, काफ़ी ज़्यादा बेल्टें लगेंगी पर कोई नहीं, अपने पास सामान है, अपन कर लेंगे। इससे क्या होगा, इससे बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो जाएगा भाई मामला क्लीन। तुम इधर आने के साथ देखो, ओरे वेरी नाइस। अब हमें यहाँ पे, ठीक है, हो गया अपना काम तो हो गया भाई, अपने को अब यहाँ तक पहुँचाना है। यहाँ तक पहुँचाने के लिए हम एक काम करो, तुम सबसे पहले तो एक मार वो लगाओ, थोड़ा सा और इधर कर दो,
ठीक है भाई, अब एक लगाएंगे हम माइनर 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 वेयर आर यू। लेवल वन का माइनर लगा, लेवल टू का भी खुलेगा बहुत जल्दी, जिसमें हमारा बहुत आगे और भी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हो जाएंगी। अब जी ऊपर तक मेरे को सामान पहुंचवा दो, पहले तो मुझे ही पहुंचवा दो यार ऊपर तक। ऊपर तक पहुंचने के लिए पहले मुझे ऐसे करके यहाँ तक सीढ़ी लगानी पड़ेगी, जिसको हम बाद में डिलीट कर देंगे। तो भाई लोगों एक काम हुआ है कि भाई लाइट भाग गई, और लाइट भागने के साथ साथ वो हमारा ब्रिज जो था वो भी थोड़ा सा गायब हो गया। मेरा यार घर में यही प्रॉब्लम होती रहती है, एकदम से लाइट भागती रहती है, इसी वजह से मैंने 5 उस पर लगा रखा है, 5 मिनट पे ऑटो सेव पे। तो जो हमारा ऑटो सेव में जो फाइल खुली है उसमें वो ब्रिज जो अभी हमने बनाया था वो गायब हो गया, बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। अपन एक काम करेंगे, अपन वो ब्रिज फिर से बना के रखेंगे, ऑफलाइन बना के रखूँगा, कोशिश करूँगा और बढ़िया तरीके से उसको कनेक्ट करके हम यहाँ जोड़ देंगे भाई। उसी के साथ मैं आप सबसे लेता हूँ भाई अलविदा। अगर आज का एपिसोड दिल से अच्छा लगा हो भाई तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई किस किस को ये गेम पसंद आ रही है, और अगर कोई टिप अगर आपको मिल रही है इस गेम के बारे में मेरे से या आप देना चाहते हैं तो भाई ज़रूर देके जाना। बाय बाय, लव यू ऑल।